हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द कुकिंग होस्ट पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लेन रायता बनाने की रेसिपी, जिसको आप किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली पुलाव या बिरयानी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बिरयानी पुलाव के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर 250 ग्राम दही ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ नींबू लिया है, इसका बीज निकाल लिया है मैंने। दो हरी मिर्च ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन के 4 क्लोव्स ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून हरा धनिया ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को मिक्सी ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्सी ग्राइंडर में मैं दही ऐड कर दूँगी, हरी मिर्च को तोड़ के ऐड कर दूँगी, लहसुन के क्लोव्स, हरा धनिया और नींबू को निचोड़ दूंगी इसे अच्छे से। इससे जो रायता का है वो एक अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/2 टेबल स्पून नमक ही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रोस्टेड ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए ये रायता बन के तैयार है। तो चलिए मैं आप इसको सर्व कर लेती हूँ सर्विंग बोल में। तो ये रायता बन के तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस तरह का रायता बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ या किसी भी डिश के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।